आप कितने बजे स्कूल आते हैं बच्चों को, कितने बजे आना है स्कूल? 9 बजे। अभी मैम क्या समय हो रहा है? आज मेला देखने के लिए जा रहा था, इसीलिए ऐसा ऑफिस में बैठे हुए थे, विद्यार्थी बाहर में घूम रहा था, अभी टाइम देखिए सर क्या हो रहा है। 11 बजे पटना होता है, 10:30 बजे बच्चा यहाँ था, 9 बजे पटना है, उसके वही आप लोग रखिए समस्या इस बीच में देखने के लिए आते हैं, हमको बोलता है कि आप मालिक है स्कूल का। आप लोग आते हैं तो यहाँ क्या बोलता है, मालिक है? हाँ, मीडिया वाला है, आप बीओ मैडम है? अच्छा अच्छा, हमको बोलता है मैडम। यहाँ के बच्चा लोग जो आप आ गए सवाल उठा दे, क्या करता है करने के लिए भीतर आकर आइए, यहाँ के मेंटेनेंस करने के लिए नहीं है क्या? देखिए देख लीजिए, आइए देखिए, देखते हैं, देख लीजिए क्या स्थिति है यहाँ के स्कूल का, सनखुआ के स्कूल का देख लीजिए, कन्या मध्य विद्यालय का क्या स्थिति है देख लीजिए, नहीं पानी का व्यवस्था कैसे बच्चा लोग इसमें आएगा, देखा दिखाइए इधर का देख लीजिए कैसे आएगा बच्चा लोग इसमें। और मैम यहाँ पे जो आप आते हैं, मेरा घर बगल में है, इधर के पास है उधर। आप लोग का बच्चा पढ़ता होगा यहाँ पे? 4 बच्चा पढ़ता है। बच्चा लोग के ध्यान नहीं देते हैं शिक्षक लोग? हम बीच बीच में आते हैं, बच्चा लोग 2-8 रूम में पढ़ा होता है, यहाँ पे देख रहे थे बच्चा, बाकी बात क्लास बंद रहता है, सब मैडम इधर उधर करता है, टाइम पास करके चल जाता है। हम भी यहाँ पे देखे बच्चा लोग बाहर में घूम रहा था, जब सवाल पूछे तो बोल रहा था मेला है, मेला का बहाना कर देते हैं। हाँ मेला है, सब मेले है स्कूल, प्रतिदिन यही स्थिति रहता है। बीच बीच में आइए ना, अपने देख लीजिएगा, बीच बीच में आइए ना, बच्चा बाहर में घूम रहा था, सभी लोग ऑफिस में बैठ करके गप मक रहे हैं। 1:30 बजे छुट्टी हो जाता है स्कूल में, इधर उधर हो जाता है, 1:30 बजे के बाद खाने पीने का टाइम होता है, बस बात खत्म है, सब लोग 4 बजे बैठ करके टाइम पास करता है, बच्चा सर के कप्चर में रहेगा, किसके कप्चर एकदम रहना चाहिए। शिक्षक लोगों को जो वेतन दिया जाता है सरकार की ओर से बच्चा को देख रेख करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए और स्कूल को सुचारू रूप से व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए, और बताइए नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरके मीडिया, इस वक्त मौजूद है यानी कि कन्या मध्य विद्यालय सलखुआ और जिला सहरसा, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी मिला है कि सौ समय शिक्षक गण जो है उपस्थित नहीं रहते हैं और बच्चे को सही से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपोर्टर है जो स्कूल में प्रवेश किए हैं, टीचर से कुछ पूछ रहे हैं, वो सभी बता रहे हैं कि मेला के वजह से बच्चे हैं जो अभी बाहर में घूम रहे हैं और मैडम से भी कुछ सवाल पूछा जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है? मोबाइल निकल गया, 10:44 हो रहा है, आप देख लीजिए 10:44 में प्रार्थना होता है। मैम स्कूल टाइम क्या है बता दीजिए, स्कूल का टाइम क्या है, टाइमिंग क्या है? आप कितने बजे स्कूल आते हैं बच्चों को, कितने बजे आना है स्कूल? 9 बजे। अभी मैम क्या समय हो रहा है? आज मेला देखने के लिए जा रहा था, इसीलिए ऐसा हो गया है, गवर्नमेंट में ऐसा रूल है जो मेला देखने के लिए आ रहा है, मेला टीएलएम मेला है विद्यालय का, आज टीएलएम मेला है बच्चों के लिए, टीएलएम जो लर्निंग टीचिंग मटेरियल है उसके लिए मेला है, मेला का आयोजन में बच्चे भी सहभागी हैं, सब टीएलएम इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए आज लेट से सब आए हैं, जितना सत्र के बाद सब टीएलएम मेला में जाएंगे। आज है मध्य विद्यालय बीआरसी में होता है ना, क्या आप लोग का पढ़ाई होता है सुचारू रूप से? क्या पढ़ाते हैं मैम? कितने शिक्षक हैं आपके स्कूल में बताइए? जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, यह कार्यालय में प्रवेश किए हैं रिपोर्टर शिवम जी
और यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इसे प्रवेश किया है तो सभी शिक्षक और शिक्षिका हैं जो आराम से कार्यालय में बैठे हुए हैं। अभी का जो समय है 10:44 हो रहा है और अभी सभी शिक्षक शिक्षिका हैं ऑफिस में आराम से बैठे हुए हैं चेयर पे। और देख सकते हैं यहाँ पे जो तालिका भी दिखाया गया है, जितने यहाँ पे शिक्षक हैं सभी का उसमें नाम बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। जब यानी कि एक शिक्षक से पूछा जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि शिक्षक किस लहजे में जवाब दे रहे हैं कि किससे आप परमिशन लिए हैं, परमिशन दिखाइए। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ये जो शिक्षक है कितना दबंगगिरी कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे लोग बाहर में घूम रहे हैं, शिक्षक लोग हैं जो ऑफिस में बैठकर आराम से आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। और जब से सवाल पूछा जा रहा है तो काफी ये यानी कि देख सकते हैं गर्म होकर जवाब दे रहे हैं कि आपको किसने परमिशन दिया, कैसे दिया, आप क्यों प्रवेश किए, बताए। दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं जहाँ भी किसी भी तरह की शिक्षा व्यवस्था में कोई समस्या है तो आप उस स्कूल का वीडियो बनाइए और हमारे तक भेजिए। हम लोग ने जाकर वहाँ पर जो कवरेज किए तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षक के द्वारा कितना दबंगगिरी दिखाया जा रहा है। आप जैसा कि तस्वीर में देख रहे सभी शिक्षक हैं जो बिल्कुल ऑफिस में बैठे हुए हैं और बच्चे जो है बाहर में आराम से घूम रहे हैं। देख सकते हैं सभी तस्वीर। जब यहाँ पे रिपोर्ट बनाया जा रहा था तो यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे लोग को प्रार्थना में सभी शिक्षक लोग हैं जो प्रार्थना के लिए बच्चे लोग को यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। और जब यह प्रार्थना स्टार्ट हुआ है अभी 10:44 हो रहा है और अभी यहाँ पे प्रार्थना यानी कि स्टार्ट किया जा रहा है। ये एक दिन का रवैया नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लगातार यहाँ के शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा मिलता रहा, जिसके बाद हम लोग को यहाँ पे मजबूरन पहुँचना पड़ा। आप भी देख रहे हैं कि 10:44 के उपरांत में यहाँ पे जो है आप प्रार्थना स्टार्ट हो रहा है। बताइए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं हमारा बिहार है जो शिक्षा में सबसे आज आगे जा रहा है, अव्वल नंबर पे जा रहा है, लेकिन यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, यहाँ के शिक्षक लोग को देखिए किस तरह से यहाँ पे काज कर रहे हैं। कन्या विद्यालय सब है, तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, पौने 11 बज रहा है, जब रिपोर्टर यहाँ पे पहुँचते हैं तब जाकर यहाँ पे प्रार्थना स्टार्ट करवाया जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों आपसे परमिशन नहीं लेंगे सर, शिकायत की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आप सबको लेकर चलिएगा। हाँ लेकर चलेंगे सर, क्यों नहीं सर, परमिशन लेता है कब आपके मीडिया कॉन्फ्रेंस अगर बुलाएंगे आपको उसे अभी मेरे वो विद्यालय चलिए बालक चलिएगा तो सब जगह ठीक हो मिडिल स्कूल है। देखिए यहाँ रुतबा वाला यहाँ कैसे आप आ गए, आप देखिए यहाँ आए नहीं सारा नहीं जहाँ शिकायत गुंजाइश होता है शिकायत का पब्लिक के द्वारा पब्लिक का क्या किस पब्लिक का है बोलिए पूछिए इन लोगों को पोषण क्षेत्र में।